Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fantastic. In my comparison video series, आज मैं comparison करने वाली हूँ एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट्स का. मैं बात कर रही हूँ पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर का और पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल का. और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है और इस वीडियो में मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करने वाली हूँ और कंपेरिजन भी करने वाली हूँ. और बेसिकली हम लोग टेस्ट करेंगे दोनों ही प्रोडक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस, देयर पैकेजिंग, क्लेम्स क्या क्या करते हैं, इंग्रीडियंट्स क्या क्या है और सबसे खास बात की इनका रिजल्ट कैसा आता है और कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो कौन सी स्किन टाइप को सूट करेगा. और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताई होंगी, जो आपको तभी पता लगेंगी जब आप इस प्रोडक्ट को खरीद के लाएंगे. तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा वाला परचेज करना चाहिए, ये आपकी स्किन को कौन सा वाला सूट करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. पॉन्ड्स सुपर लाइट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के साथ ये है फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई. और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक पैकेजिंग है, स्लीक सा टब है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है. और बात करें अगर पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर की तो ये है नॉन ऑयली फ्रेश फ्री फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन. और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन. मतलब अगर देखा जाए तो इसमें हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है और इसमें विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन है. और सुपर लाइट जेल का 73 ग्राम का जो पैक है वो आपको 149 रुपीस का पड़ेगा. और पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर ये उसका बड़ा वाला पैक है, लेकिन इसका अगर आप वो 74 ग्राम वाला पैक लेते हैं तो वो आपको 115 रुपीस का पड़ेगा. तो दोनों के प्राइस में कुछ 34 रुपीस का डिफरेंस है, यानी कि ये वाला जो है इसका प्राइस इससे ज्यादा है. पॉन्ड सुपर लाइट जेल क्लेम्स दैट इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड फॉर ऑल सीजन्स. और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जेल बेस्ड है. मतलब ऐसा लगता है जैसे वाटर को ही फ्रीज करके जेल बना दिया गया है. आप देख सकते हैं कि कितना वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी. बहुत ही इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और काफी अच्छे से नरिश करता है, काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है. एंड पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर आता है क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ और ये भी सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है, ऐसा क्लेम करता है. इसका टेक्सचर काफी क्रीमी है लेकिन इसकी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह है. और ये भी बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे और बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है. इन मॉइस्चराइजर्स को आप दिन में दो बार यूज कर सकते हैं. आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और फिर अप्लाई करना है. मैं अपने फेस पे आधे साइड पे लगा रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल और आधे फेस पे मैं लगाऊंगी लाइट मॉइस्चराइजर. और आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये एब्जॉर्ब हो गया है और बहुत ही कम क्वांटिटी लगी है. और दूसरी साइड में अब अप्लाई करूंगी लाइट मॉइस्चराइजर. लाइट मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी क्रीमी जरूर है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में. और उसके बाद ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, ऑयली नहीं बनाता और आपकी स्किन को एक मैट लुक देता है. और अगर मैं कंपेयर करूं अपने फेस के दोनों साइड्स को तो दोनों ही साइड पे बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजेशन आ गया है, हाइड्रेट हो गई है मेरी स्किन, ग्रीसी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, एकदम प्लम्प हो गई है मेरी स्किन. पॉन्ड्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिलीवर ब्रांड एंड विच इज नॉट एन इंडियन ब्रांड, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. और बात करें अगर कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन टाइप को सूट करता है तो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल क्रीम करता है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड फॉर ऑल सीजन्स है. बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जैसे कि मैंने इसको यूज किया है, क्योंकि ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो इट इज वेरी 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 सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन. और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं, मतलब गर्मियों तक ठीक है, लेकिन सर्दियों में आपको किसी ना किसी मॉइस्चराइजर को लगाने की जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी वाटरी कंसिस्टेंसी है और नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों को थोड़ा ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है. पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर होता है, थोड़ा सा ऑयली साइड की तरफ होता है, तो जो ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं वो उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है, आपकी स्किन के ऊपर एक ऑयल की लेयर नहीं बनाता है. बट अगेन अगर ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज करते हैं तो गर्मियों तक तो ठीक है, बट सर्दियों में शायद आप लोगों को अपनी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई लग सकती है क्योंकि इसका जो ऑयल कंटेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है और आप लोगों को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है. इंग्रेडिएंट्स की बात अगर हम करें तो पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल में है वाटर, डीमिथिकॉन, ग्लिसरीन है इसमें, ग्लाइकॉल है इसमें, पोटेशियम है इसमें, क्लोराइड फॉस्फेट है इसमें, परफ्यूम भी एडेड है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें हाइलोरोनिक एसिड और नियासिनामाइड भी है. और अगर हम बात करें पॉन्ड सुपर लाइट जेल की तो इसमें वाटर है, पाल्मेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, इसमें नियासिनामाइड भी है, बट इसमें अल्कोहल भी है और इसमें एडेड परफ्यूम के साथ साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स एडेड हैं. इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे अगर दोनों ही प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो जो लाइट जेल है वो आता है हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई,
और लाइट मॉइस्चराइजर आता है विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और हाइलोरोनिक एसिड दोनों ही ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, दोनों ही हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा होता है और हाइलोरोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों हमारी स्किन को सुपर हाइड्रेट करते हैं। हमारी जो स्किन की वाटर लॉस होता है, पानी की कमी होती है, उसको भी पूरा करते हैं। और हाइलोरोनिक एसिड तो बाहर का जो मॉइस्चराइजर होता है, बाहर का जो मॉइस्चर होता है, उसको भी हमारी स्किन में अट्रैक्ट करता है। दोनों ही मॉइस्चराइजर्स में परफ्यूम भी एडिड है और फ्रेग्रेंस भी एडिड है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो आपको इस मॉइस्चराइजर से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सुपर लाइट जेल है उसमें हाइलोरोनिक एसिड के साथ साथ आपको नियासिनामाइड भी मिल जाता है और ग्लिसरीन भी मिल जाता है। हालांकि इसमें सिलिकॉन भी है, बट जो नियासिनामाइड होता है और जो ग्लिसरीन होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और लाइट मॉइस्चराइजर की अगर बात करूं तो इसमें अल्कोहल भी एडिड है, हालांकि इसमें नियासिनामाइड भी है ग्लिसरीन के साथ साथ, बट इसमें सिलिकॉन्स भी है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, पैराबेंस हैं, जो कि शायद आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है तो आप दोनों ही मॉइस्चराइजर आराम से यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल में देख रहे हैं तो ये लाइट वाला मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ बेटर प्रोडक्ट चाहिए, बेटर इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहिए, तो आप ये सुपर लाइट जेल लगा सकते हैं। और ये जो सुपर लाइट जेल है, इसकी खास बात ये है कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। मतलब जिनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर उनके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आपके फेस को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं बनाता है, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और इतनी सॉफ्ट वाली ग्लोइंग वाली फीलिंग आती है आपको। लेकिन वो जो ग्लोइंग वाली फीलिंग होती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, मतलब वो परमानेंट ग्लो आपके फेस को नहीं देगा, लेकिन एक इंस्टेंट ग्लो तो आपके फेस पे आता ही है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या सुपर ड्राई स्किन है, और आप फिर भी इन दोनों मॉइस्चराइजर्स को यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद एक अच्छा सा दूसरा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि जो आपकी स्किन की हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, मॉइस्चराइजेशन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। क्योंकि ये जो दोनों ही क्रीम्स हैं, ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब तो हो जाती है बहुत अच्छे से, बट शायद आपको उतना हाइड्रेशन नहीं दे पाएंगी। एंड गाइस, दोनों ही क्रीम्स में एसपीएफ नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छा एसपीएफ सनस्क्रीन लोशन जो है वो जरूर लगाएं, वरना आपको धूप से, सनलाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज रिव्यू वीडियो एंड कंपैरिजन वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को अब दोनों ही क्रीम्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी वाली क्रीम परचेज करनी है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। एंड गाइस, अगर अभी तक भी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी एक बार प्रेस कर दें, ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट 1-on-1 वहां पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।